सो हे वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो भाई आप लोग? तो कपड़ा लेके आ चुका हूँ वापस। तो आज के वाली वीडियो में भाई भाई हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं फैब्रिकेटर का वर्क। सो गाइस फिलहाल तो आप लोग सोच रहा होगा कि मैं इतनी वीडियो लेट क्यों ला रहा हूँ, तो भाई उसका बहुत बड़ा रीज़न है, वो है लेजीनेस। ओके गाइस, सो मतलब ये चीज़ तो भाई आप लोगों में से बहुत से लोगों की भाई प्रॉब्लम होती होगी, बट मेरी अभी फिलहाल ऐसी प्रॉब्लम है। तो दादी आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्राइल सॉफ्ट अडोब्स जो मेरा डायनो है उसको मैंने कलर कर दिया है, और फिलहाल तो मैं घर में जाता हूँ और मौज करता हूँ। सो उधर फालतू बातें बंद कर देते हैं। तो गाइस आज हमें भाई वर्क करना है मतलब फैब्रिकेटर मशीन का, जो कि स्मिति की भाई अपडेटेड वर्जन होती है। तो मेरे पास उसके साथ एक ब्लू प्रिंट है गाइस, और मुझे उसको बनाने के रिसोर्स भी चाहिए पड़ेगा थोड़ा बहुत। भाई ब्लूप्रिंट से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कितने लेवल पे खुलती है। तो मेरी 72 लेवल है, एंड इधर मैं FA लिखता हूँ FA, और इधर पे 48 लेवल पे ही बता देता भाई फैब्रिकेटर मशीन खुल जाएगी, ठीक है। सो अभी मुझे क्या करना है, इस बॉक्स को भी हटाना, तो इसमें जितना भी सामान है ना गाइस, तो इन सबको मुझे लेना पड़ेगा। और इधर फैब्रिकेटर का मेरे पास ब्लू प्रिंट है, तो मुझे इन ग्राम से उसे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। और मुझे क्राफ्टिंग में जाना है, क्राफ्टिंग में इधर नीचे ही मुझे सबसे नीचे ये ब्लू प्रिंट मिल जाएगा, तो अब मुझे इसमें रखना पड़ेगा। तो गाइस इसको मैं रख लिया हूँ, और इधर आप लोग देख सकते हो उसको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी भाई इसको बनाने के लिए। सो गाइस इसके लिए आयरन चाहिए पड़ेगा भाई, और हमको भाई स्पार्क पाउडर चाहिए पड़ेगा, ऑयल चाहिए पड़ेगा, क्रिस्टल। तो गाइस क्रिस्टल आप लोगों को कहीं से भी मिल सकते हैं, और मोटर मतलब स्पार्क पाउडर आप मोटर क्रिस्टल से बना सकते हैं भाई, और भाई बहुत ईजी है उसको बनाना। तो उधर मैं गन पाउडर इधर सामान शिफ्ट कर लेता हूँ, और मुझे भाई ये केबल रखनी पड़ेगी स्टीगोसोरस की। हाँ स्टीगोसोरस की है भाई इस टाइम। ओके सो इसको मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि ये काम की होती है। तो इसमें रिफ्रीजिंग बिन में रख देता हूँ, और रिफ्रीजिंग बिन भी गाइस उससे स्पार्क पाउडर चलता है जिससे कि ठंडा रहता है, तो हमारा मांस या फिर आप एग वगैरह रख सकते हो। और अभी तो भाई हम एडवांस करने वाले हैं, हम रिफ्रिजरेटर बनाने वाले हैं, और अभी मैं इधर अपना सामान रख लेता हूँ भाई पूरा। तो गाइस इसमें देख सकते हो भाई मेरा भाई फर्टिलाइज्ड ये वगैरह है भाई, ये खाद वगैरह। और इधर मुझे ऑयल चाहिए पड़ेगा, ऑयल आपको गाइस ओशियन से मिल सकता है, ओशियन से आप लोगों को हैचेट से, हैचेट नहीं भाई पिकैक्स से खुदाना पड़ेगा, और आपको मिल जाएगा इजीली। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो एनकालो टेम करो गाइस, उससे ना ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा क्वांटिटी में। सो अभी मुझे स्मिति टेबल में बनाना है, और स्पार्क पाउडर भी इधर ले लेता हूँ। तो मुझे मे बी हाँ इतना स्पार्क पाउडर चाहिए पड़ेगा अराउंड 60। तो चलो देखता हूँ भाई कितना सामान हो गया भाई, मतलब बन जाएगी स्मिति टेबल या नहीं। स्मिति नहीं भाई फैब्रिकेटर, हाँ बन जाएगी। तो भाई इधर मेरी क्राफ्ट कर ली, इसमें तीसरी क्राफ्ट होती है गाइस, ऐसे क्राफ्ट नहीं होगी। सो चलो ठीक है मैंने क्राफ्ट कर ली, मीन मतलब आप खुद से नहीं कर सकते, आपको स्मिथी टेबल से ये क्राफ्ट करनी पड़ती है जो उधर रखी थी। तो अभी ठीक है मैं क्या करता हूँ, अभी आप लोग देख सकते हो मैंने फार्मिंग बना लिया है, और ये मेरा डीओडी क्रश एनकाइलो। और अभी मैं फिलहाल पैरासोर पर जाता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे और ऑयल की ज़रूरत है। तो मैं बता देता हूँ ऑयल आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। सो गाइस मैं अपने भाई पैरासोर को ले जा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये पानी में थोड़ा तेज तैर लेता है भाई, चलने से ज़्यादा तैर ही लेता है। आई डोंट नो भाई कैसा ये डायनो और क्या लॉजिक है आर्क वालों का। सो गाइस अभी भी आप लोग देख सकते हो मैं इधर तैर रहा हूँ, और उसको ऑक्सीजन दिला रहा हूँ, तो ऑक्सीजन भी देती है। और इधर आप लोग देख रहे हो गाइस ये जो है ना भाई ये लटक रही है भाई इसमें ये, हाँ तो इसी से ऑयल मिलता है। मे भी गाइस मैं ये सोच रहा हूँ भाई इस पर बैठी बैठी कर लूँ भाई, खतरा मोड़ नहीं लेना, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भाई इसके नख रहते हैं। वो भाई ऊपर चला गया भाई पैरासोर, चलो उसके देखते रहेंगे, लेकिन पहले मुझे इसको भाई कर लेना है भाई। तो ठीक है मैंने इसको भाई कर लिया भाई, अपने खुदा लिया ऑयल, और मुझको मिल भी गया थोड़ा बहुत। ओके सो गाइस ज़्यादा नहीं मिला मुझे, और अभी मैं जाता हूँ सही भाई, ये क्या है भाई ऊपर चला गया भाई, मुझे छोड़ के अकेला चला गया। अगर मुझे कोई डायनो मिल जाता, शार्क वगैरह मछली मुझे खा जाती भाई, तो भाई ये बेकार भाई डायनो की ये बहुत बेकार बात है ये सवाल भाई। तो चलो भाई पंखी छोड़ता जा रहा हूँ, मैं डरा गया भाई कौन है साला भाई आस मतलब सीधा मुंह के पास से कोई घोड़ा है भाई, तुम्हें डर तो लग ही जाएगा ना। ओके तो चलो भाई और खुदा लेता हूँ मैं भाई, पास जाना पड़ेगा थोड़ा खुदा। ओ तेरी भाई कौन आ गया भाई, ओ अरे साले भाई पीछे पड़ गया यार तू। अरे यार गाइस ये क्या भाई मैं बताऊँ यार, ये भाई ये पीछे से टेंटिकल वाला कोई से जानवर है। अरे भाई मेरे पीछे पड़ गया भाई, अरे पानी में भी पीछा नहीं छोड़ोगे क्या तुम, मतलब पानी का तो है ही तू, लेकिन मुझे इधर परेशान करने क्यों आ गया भाई, क्या तेरा मतलब क्या है भाई तुझे क्या है भाई। बस गाइस मैं इसे खुदा के चला जा रहा हूँ, और इसके बाद तो गाइस मैं इसको भाई देख लूँगा बाद में, मेरे ही डायनो भाई ज़्यादा उसका अटैक नहीं मिली वरना मैं इसको मार डालता। ओ भाई साहब भाई तो शार्क आ गई, बताऊँ गाइस मेरी भाई
पैरासोर की हेल्थ देखो, तो मुझे अपना पैरासोर भी प्यारा है भाई, ये मेरा डायनो भी बहुत प्यारा डायनो है, ठीक है। मुझे कोई भी अपना डायनो भाई मरवाना अच्छा नहीं लगता, कोई क्रीचर मेरे डायनो मार दे तो भाई मैं उस डायनो को खुद ही मार दूँ, बट मैं किसी डायनो से मतलब किसी और दूसरे क्रीचर से नहीं मरा दूँगा, ठीक है। आई मीन उसकी मतलब जान नहीं जाने दूंगा, वो कुछ और मतलब समझो आप लोग। तो चलो भाई चलता हूँ मैं सबसे पहले अपने उधर घर में, और इधर भाई मस्ती मजाक कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या। सो गाइस अभी फिलहाल मैं जाता हूँ, और भाई मुझे ना फैब्रिकेटर मेरी भाई हो गई होगी क्राफ्ट, ठीक है, बन चुकी होगी, बन के रेडी भी है, और अभी मुझे इसे प्लेस करना है एक जगह पे। सो गाइस प्लेस करने के लिए सबसे पहले मुझे अपना सामान खाली कर लेने दो, क्योंकि मेरे पास भर भर के सामान भरा हुआ है, और मुझे इधर 44 ऑयल मिल गया, तो जो कि ठीक है, ज़्यादा नहीं है भाई। सो हाँ गाइस, अभी हम जो फैब्रिकेटर मशीन है उसको चलाने के लिए भी फ्यूल चाहिए पड़ता है, तो फ्यूल के लिए हमें चाहिए पड़ेगा गैसोलीन, और गैसोलीन बनाने के लिए गाइस हमको चाहिए पड़ता है ऑयल एंड हाइड। सो गाइस अभी आपको क्या करना है ना, इसमें रखना है भाई रिफाइनर 4 गेज में, हो सके तो भाई रिफाइनर 4 गेज में ही बनाना, क्योंकि भाई फायर उसमें फायर कैंप पे नहीं बन सकती गाइस, क्योंकि उसमें स्लॉट्स कम होते हैं। ओके गाइस, सो अभी मैंने इसको रख दिया है उधर, आपको 15 सेकंड रखते हैं अराउंड, और उसके बाद आपका भाई ये बन जाएगा। ओके सो अभी आप लोग देख सकते हो, 1 एंड हैवी गो आप लोग सकते हो। ओ ये क्या हुआ? ओके गाइस, तो यार भाई इसमें मेटल डाला है ना, वो भी इसमें भाई वो हो गया, क्या बोलते हैं, मेल्ट हो गया। सो अभी देखो एक और बूम गाइस, भाई 5 गैसोलीन। हाँ तो गाइस आप लोगों को हाइट भाई आपको डायनोज मारने से मिल जाएगी, जो कि क्रीचर्स होते हैं उनको मारने से आपको भाई हाइट मिल जाएगी। और उससे पहले गाइस मुझे ना ये सब जो सामान है ना, जो मेरी इतना भाई महंगा महंगा आइटम है, इन सबको भाई शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके सो मैंने अपना पूरा तो ले लिया, और मेरा वेट देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही हो गया, सो मुझे स्टोन एंड एक्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा वेट होता है। तो 1 मिनट को गाइस मैं सबको सामान को रख के आता हूँ। होपफुली गाइस भाई पूरा सामान रख दिया उधर, लास्ट लार्ज स्टोरेज बॉक्स को भाई मैंने कर दिया डिस्ट्रॉय, एंड अब इधर मैं अपना फैब्रिकेटर मशीन लगा सकता हूँ। तो इधर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ गाइस, देख सकते हो भाई कितनी बड़ी मशीन है, तो उसको ढंग से भाई एक जगह अच्छे से भाई करना पड़ेगा भाई, अच्छे से मुझे कम जगह भाई स्पेस उसकी घेरनी चाहिए, बट थोड़ी बहुत स्पेस तो लेता है गाइस, और इतना ही नहीं अब प्लेस कर देता हूँ इतना, क्योंकि बाकी वो प्लेस तो लेता ही है गाइस, कुछ भी कर लो आप। सो गाइस मैं इसे खोल कर देता हूँ, तो इसमें मेरी भाई शॉटगन होती है, जो मैंने भाई पहले भी इनग्राम से भाई कर ली थी अनलॉक। सो अभी मैं इसको भी बनाऊँगा, और उससे पहले भाई अभी मैं देख लेता हूँ भाई जो हमारा गैसोलीन है, तो टोटल 25 मैंने बनाया, तो उसको मैं लेगा पहले स्मिथी में डाल। सो गाइस आप बोलोगे भाई स्मिथी में क्यों डाला, इसलिए गाइस क्योंकि उसे जल्दी मिल जाएगा मुझे, तो मैं 2 भाई गैसोलीन लेता हूँ और अपने भाई फैब्रिकेटर में डालना पड़ेगा। सो गाइस एक जो गैसोलीन लेता है भाई उसका टाइम रहता है भाई 10 मिनट। ओके गाइस मुझे नहीं पता मे बी, लेकिन 10 मिनट्स तक रहता है गाइस। ओके सो इतनी देर तक चलता है, तो अभी मैं फिलहाल चला जाता हूँ अपने लेवल्स मतलब इनग्राम में, तो इनग्राम्स में मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, और इधर भाई मुझे सामान खोलना है। सो गाइस इधर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पॉलीमर खोलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए गाइस आपको सिलिका पल्स और 1 आयरन लगता है, और पॉलीमर बनाने के लिए गाइस आपको सीमेंटिंग पेस्ट, और भाई मैं जो बता रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर आपको दिख ही रहा होगा। सो ये सब सही पड़ता है, इनके बना ये नहीं बन सकता। तो उधर टॉक्सिन टायर और रेफ्रिजरेटर, गाइस 60 लेवल रेफ्रिजरेटर है मतलब फ्रिज है। ओके सो इधर ये भाई 62 लेवल पे टॉक्सिन टायर, जो बहुत काम की चीज़ है, बट मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा वो चीज़। और इधर टोरेंट है गाइस, जो टोरेंट है ना गाइस इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है, मैं आप लोगों को बताऊँगा, मतलब बताना ही है मुझे, लेकिन इसके पास मेरा मतलब एक ब्लू प्रिंट है गाइस, ये भी मैं बनाने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल तो गाइस चलते हैं भाई पेट्रोन पर बैठ के, क्योंकि मुझे सामान चाहिए पड़ेगा। सो उधर आप लोग देख सकते हो ऑब्जेडियन और सीमेंटिंग पेस्ट, ये पॉलीमर। तो गाइस पॉलीमर दो तरीके के होते हैं, सो मैं आप लोगों को सिंपल ट्रिक बताऊँगा ये पॉलीमर बनाने की, मतलब बना बनाया मिलेगा आप लोगों को गाइस। गाइस फिलहाल तो भाई जाना पड़ेगा मुझे सिलिका पल्स कलेक्ट करने के लिए, सिलिका पल्स कलेक्ट। तो गाइस सिलिका पल्स कहाँ मिलते हैं भाई, हम लोग को भाई किनारे पे वैसे मिल जाते हैं भाई, ओशियन के कहीं भाई कहीं भी मिल जाएंगे भाई आपको, मतलब भाई समुद्र के पास ही पास घूमो भाई, और भाई उनकी लोकेशन होती हैं थोड़ी बहुत, और बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगा कभी और। और अभी फिर मैं इधर एक ड्रॉप भाई आया है भाई हरे कलर का, तो उसको मैं लूट लेता हूँ भाई, ड्रॉप आया भाई फ्री का माल आएगा, तो देखता हूँ इसमें क्या है, और ये मेरा स्टोर क्यों खुल गया। तो चलो इधर देखता हूँ, तो इधर एक भाई पैरासोर की भाई केपल है भाई, इसका मतलब केपल सॉरी ब्लू प्रिंट है उसका, सो मैंने फेंक दिया चिंदी। अभी मैं इस बार आइलैंड पे जाने वाला हूँ गाइस, जो इस लैंड के बिल्कुल नियर है, और इधर पे भी भाई बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा वो हमको मिल जाता है भाई सिलिका पल्स, सो आप लोग भी जा सकते हो, तो मैं आप लोगों को मैप में बताता हूँ भाई।
आप लोगों को कुछ ऐसी लोकेशन में जाना है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक तो पहली बात तो भाई मेरा पूरा मैप ही भाई आधा सा घुमा घुमा है, आई डोंट नो ये क्या गलेच है। सो इधर आप लोग देख सकते हो, इधर मुझे सिलिका पल्स मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा सिलिका पल्स हैं। सो इधर पर मैं अपने भाई पेट्रो को थोड़ा भाई फॉलो की विसल कर देता हूँ क्योंकि उसको पीछे भाई वो भाई किसी से भिड़ने लगेगा और पंगे लेगा, तो अभी मैंने इसको बुला लिया और अभी ये मुझको परेशान कर रहा है तो मैं इसको अनफॉलो की विसल दे देता हूँ, आई मीन स्टॉप की। सो इधर सिली कपल्स मैंने बहुत सारे बीन लिए हैं भाई इस आइलैंड के, भाई पूरे तरफ भाई भाई सिली कपल्स हैं। सो आप लोग भाई क्या कर सकते हो, इधर आ सकते हो और ये भी एक अच्छी प्लेस है गाइस। एंड इधर पे भी आप लोग भाई अपना भाई बेस बना सकते हो, ये भी एक बेस्ट लोकेशन है। मैंने भाई पहले नहीं देखी थी और अभी देख लिया, अगर मुझे पहले भाई पता होता तो मैं इधर ही बेस बनाता। ओके एनीवेज तो गाइस हमें क्या करना है, अभी मैंने कलेक्ट कर लिया है। सो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ भाई आइसलैंड, मतलब आइस वाली लोकेशन पे। तो अभी मैं फिलहाल आप लोगों को लोकेशन इधर पर बता देता हूँ। ओके ठीक है गाइस, मैंने भाई मैप पे मैं दिखा रहा हूँ इस वाली जगह पे। सो जो आपको जगह है ना गाइस, ये वाइट ऑब्लिक्स वाली जगह, हाँ गाइस, लेकिन उधर तक नहीं जाना मुझको, थोड़े पास ही जाना है। सो इधर पर भाई मुझको पेंगुइन्स मारने पड़ेंगे, पेंगुइन से मिलता है भाई हमको भाई पॉलीमर खूब सारा। एंड गाइस बहुत इजी वे भाई अगर आपको चाहिए हो तो पॉलीमर, लेकिन गाइस इसका भी एक चीज़ है कि भाई पॉलीमर की मैं आपको आगे पता चल जाएगा गाइस। सो अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, आपको पॉलीमर ज़्यादा कलेक्ट करना है। पहली बात तो आपको पेंगुइन्स को मारना पड़ता है, किल करना पड़ता है टोटली। बट अगर आप उनको भाई फार्म करोगे, मतलब उनको अगर आप उससे हार्वेस्ट करोगे ना बल्ले से ना, तो जल्दी होगा बैडमिंटन। ओके मतलब बैड होता है ना भाई, उससे करना पड़ता है, जो क्या बोलते हैं मुंगरिया, क्या बोलते हैं भाई मुझको नहीं पता, आई डोंट नो भाई, तो मुझको नाम नहीं आ रहा भाई क्या बोलते हैं उसको, हाँ तो उसको बोलते हैं वुडन क्लब। हाँ गाइस वुडन क्लब से आप लोग उसको, मतलब वुडन क्लब चार लकड़ियों में बनता है और 15 आप लोगों को फाइबर चाहिए पड़ती है और बन जाता है। तो मैंने चार टोटल वुडन क्लब भाई क्राफ्ट कर लिए हैं। ओके सो अभी मैं चलता हूँ उधर लोकेशन पर एंड आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ भाई इधर पे भाई आइसलैंड के इधर, एंड इधर आप लोग देख सकते हो। तो इस वाले एरिया में आप लोगों को आना है, बट आप लोगों को ना ये छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं ना गाइस, इधर पे आप लोग जाना है क्योंकि इधर पे आपको बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये मिल जाएगा ऑयल, जो ऑयल के भाई ये इतना सारा भाई पूरा का पूरा पत्थर सा भाई बना हुआ है। और इधर पर भाई आप एनकारी लेके आओ तो भाई फिर तो क्या ही कहना, बहुत ही ज़्यादा ओपी लेवल का फिर तो फार्म हो जाएगा भाई आप लोगों का ऑयल का। और भाई मैं क्या बताऊँ, एंड गाइस इस वाली स्वाम्प, मतलब ये जो बायोम है ना, इस वाली आइस बायोम में इधर पे आप लोगों को भाई बहुत ज़्यादा भाई आपको ऑयल मिल जाएगा और क्रिस्टल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इधर पे इस क्रिस्टल नहीं है फिर भी मैं बता देता रहा हूँ। और इधर पे भाई पहले मैं ऑयल ले लूँ। सो इधर थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि गाइस मेरा जो भाई जो आरजी है ना वो इतना उठा नहीं पाएगा वेट। सो थोड़ा सा भी कर लेता हूँ। और अपने भाई इस वाले अर्जेंट है इसका भाई क्या मैं नाम रखूँ भाई, आप लोग कमेंट्स में भाई एक बार भाई बताओ तो मैं भाई वही नाम रखूँगा जो नाम सबसे ज़्यादा सजेस्ट होगा ना गाइस, और जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक होगा ना भाई वही नाम रखूँगा। ओके गाइस तो भाई आप लोग करो। तो अभी भाई इधर मुझे एक भी पेंगुइन्स नहीं मिला देखने के लिए। सो गाइस मुझे आगे वाले पे जाना पड़ेगा, कभी कभार हो जाता है कि आप लोग को नहीं मिले गाइस। और ये मुझे एक फ़ोन कॉल आया तो मैंने इसको भाई डिले कर दिया, मेरे दोस्त का था। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं इस वाले आइलैंड पे आया एंड इधर पे कितने सारे पेंगुइन्स है। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं अपना स्पाइक उठाता हूँ। ओके ये और इसके बाद बूम गाइस। ओके तो इनको मारना पड़ेगा, ओ भाई पूरे भागने लगे भाई, इन सबको मारना पड़ेगा वरना भाग जाएंगे भाई ये। मर गया तो ये भाई तू कहाँ जा रहा है भाई, कार को पूरा मतलब क्या नाम है तेरा, मर गया तू तो मर गया। चलो यार और इन सबको ही मारता हूँ, देख रहा हो कैसे भाग रहा है भाई ये सब बाबल आके। अरे मैं नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे चाहिए है भाई, मुझे चाहिए भाई तुम लोगों का, मुझे तुम लोगों को भाई चाहिए, मुझे अपना वो आइटम चाहिए पड़ेगा। और तू कहाँ घूम गया भाई जी, आई डोंट नो कितने सारे थे गाइस, मुझे नहीं पता भाई कितने ज़्यादा थे, लेकिन ये देख लो तैर के जा रहे हैं भाई बचने के लिए, जान बचाने के लिए, और ये मुझसे तेज़ी तैर रहा है। ओके तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैंने 6 पॉलीमर फार्म कर लिया है, अभी मैं बेड से इन सबको भाई हार्वेस्ट करूँगा तो मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये मुझसे बसता कहाँ जा रहा है भाई, इतने सारे तेरे चंट पंट मार गए दोस्त, तू क्यों उधर पे ही भाई एकदम खड़ा हुआ है शांत। ओके तो तुझे देख के ये भी भाग रहा है, तू जब से क्या कर रहा था, अब तो तुम नहीं बच सकते भाई, तुम भी यू आर डेड सर जी, यू आर डेड। चलो गाइस अब इन सबको मैं फार्म कर लेता हूँ, मतलब हार्वेस्ट, तो देख रहा हो तो गाइस इतना सारा मुझको भाई ऑर्गेनिक पॉलीमर मिल रहा है, देख रहा हो गाइस। तो ये पॉलीमर गाइस हमको भाई अपने उन सब चीज़ों के लिए बनाने के यूज़ होगा। सो इन सबको जल्दी फार्म कर लेता हूँ, मतलब हार्वेस्ट कर लेता हूँ यार, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं।
तो गाइस अभी मैंने भाई पॉलीमर कलेक्ट कर लिया है ठीक ठाक। तो अभी मैं क्या करता हूँ इसमें पूरा भाई जितना भी हैवी सामान पूरा रख लेता हूँ, पूरे बेड स्टोन्स और ये मतलब ऑयल भी रख लिया है। सो अभी मैं चलता हूँ भाई बेस के लिए निकलता हूँ और भाई उधर पे ही देखना है आपको। सो गाइस आप लोगों को एक मिनट चीज़ बता दूँ, ऑर्गेनिक पॉलीमर जो कि आपको मारने से मिलता है इनपैक गेंस को, वो आप अपने आरजी वगैरह में रख लेना क्योंकि ये जल्दी सड़ते हैं। और भाई अगर आपने नहीं रखे ना तो ये 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे सड़ जाएंगे जितने भी आप लोगों ने कलेक्ट किया होगा। सो मैं आप लोगों को पहली वार्निंग नहीं दे रहा हूँ। ओके सो गाइस अभी मैं चलता हूँ अपने बेस में और अभी मैं बनाता हूँ भाई अपने जो टूल्स है ना वो। तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे बेस पे आकर, तो फिलहाल उतरता हूँ और आरजी से भाई ले लेता हूँ अपना पॉलीमर ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो देख सकते हो कितना सारा कलेक्ट करके लाया हूँ और ऑयल भी, ऑयल मैं बाद में शिफ्ट करूँगा फिलहाल तो। और चलो भाई चलता हूँ ओवरऑल बेस के अंदर। और मैंने सिरी कपल्स और कलेक्ट किए थे तो उस छोटे से आइलैंड से तो किए ही थे और भी बहुत सारे किए थे। सो चलो इसमें रख लेता हूँ। और गाइस मुझे इधर पे एक शॉट गन भी मिली इसका ओपी वाला डैमेज है तो मैं आपको बताऊँगा। सो गाइस आप जैसे देख रहा हूँ ना अभी मैंने ये वाला पॉलीमर नहीं बनाया है तो इस वाले पॉलीमर की जरूरत पड़ती है। सो अभी मैं आप लोग को शॉट गन का आपको बता देता हूँ, जो शॉट गन है ना वो बन जाएगी। तो ये अजॉल्ट है, अब जैसे कि जब पॉलीमर ये बनाया नहीं है, ये मतलब जी वाला वेपन जी वाला पॉलीमर ऑर्गेनिक पॉलीमर, मतलब ऑर्गेनिक पॉलीमर जी वाला पॉलीमर साधारण भाई वही वर्क करेगा। तो आप लोग समझ रहे हो तो भाई भाई बताओ भाई आप लोग क्या समझे। ओके सो चलो भाई पहले क्या करता हूँ मैं, मुझे चाहिए पड़ेगा गन पाउडर। तो मोटर पिस्टल में ऐसा साइज से मुझे मिल जाएगा। हाँ इसमें तो नहीं है भाई, इसमें कचरा भरा हुआ है और इसमें भाई किस्मत फूटी हुई क्या मेरे पास भाई गन पाउडर नहीं। ओ भाई खूब सारा भाई गन पाउडर। सो गाइस इधर पर मैं अपनी एमओ बना लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि शॉट गन मुझे चलानी है और टेस्ट करके बताना है आप लोगों को। सो अभी फिलहाल देख सकते हो भाई कितनी सारी एमओ है, बट इतनी एमओ में भाई हमारा काम नहीं होगा। इसके लिए अगर आपको एमओ बनानी पड़ेगी तो उसके लिए आपको ना मतलब स्मॉल पिस्टल खोलनी पड़ती है और उसके बाद आप लोगों को गाइस मतलब उसको एमओ खोल लोगे तो भाई आप क्राफ्ट कर सकते हो। सो अभी मैं इधर क्या करता हूँ अपनी गन शिफ्ट करता हूँ। सो ये वाली गन मैंने ऑटो मतलब पहले मुझे पंप राइफल रखनी पड़ेगी, पंप एक्शन राइफल एंड इधर एक शॉट गन है गाइस जो मुझको ड्रॉप में से मिली थी और इसका ओपी वाला डैमेज है। सो गाइस अब मैं आप लोगों को गन टेस्ट करके बताता हूँ। ओके और सबसे पहले भाई फैब्रिकेटर मैं बंद नहीं करूँगा क्योंकि चलने दो मुझे और भी भाई टूल बनाना है सामान। और गाइस मैंने भाई इंडस्ट्रियल ग्रिल बना लिया था, रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया गाइस, मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा भाई अगले एपिसोड में। सो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ भाई, देखो ये कैमरा है ना गाइस, हाँ ये मुझे नहीं खोला, मैंने नहीं खोला गाइस, बट मुझे क्या हुआ मतलब ये मुझे पता है कैसे खोला, ये कैमरा नहीं है गाइस। पहली बात ये टॉर्च लाइट है, अगर आप भाई रात में भाई जाते हो और आप लोगों को भाई मारने हैं भाई जो डायनोस रहते हैं तो उन सबको मारने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। ओके सो भाई दो एमओ में भाई बच गई, टोटल दो एमओ में। और इस गन को चलाते हुए भाई इतना भाई इतना मज़ा आ रहा ना, एकदम भूखा लेवल की। सो गाइस ये मेरे डायलो तो ये इधर बाहर मैंने रखे हुए हैं भाई, मैं इनको भाई पनिश कर रहा हूँ बिकॉज इन लोगों ने भाई मेरा भाई खाना खा लिया। ओके भाई सॉरी मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। सो भाई इसका 95 मतलब डैमेज है, बहुत ही ज़्यादा ओपी, पंप एक्शन राइफल से भी ज़्यादा है। तो जो फर्स्ट लेवल की मतलब जो शॉट गन है मतलब वो ब्लू प्रिंट नहीं है और ये मतलब ये इसमें कोई ब्लू प्रिंट नहीं है, इसका कोई ब्लू प्रिंट होगा गाइस तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और चलो भाई इसको मारता हूँ लास्ट स्ट्रोक को, तो एक एमओ में ख़त्म भाई, मतलब टोटल खल्लास भाई, मतलब उसका तो कफन बन गया। ओके तो चलो इसको मारता हूँ और ये एक एमओ में मरेगा नहीं तो भाई पूरा टोटल गया था, अगर मैं इसका हेडशॉट देता ना तो भाई ये पूरा ख़त्म हो जाता। चलो इस डोडो को भी मारता हूँ, डोडो तो ऑब्वियसली मरी जाएगी, नहीं मरी, ये क्या हुआ भाई। ओके 280 लेवल की डोडो थी गाइस, पूरी मैक्स लेवल की डोडो थी तो एक शॉट गन में कैसे मारती। ओके तो चलो भाई चलता हूँ। और ये मेरा भाई ब्रिज आवड़ खावड़ तो ये मैंने ही बनाया था भाई, बहुत ही बकवास है ना, मुझे पता है क्योंकि मैं अच्छे से काम कर ही नहीं सकता भाई, ये मैं क्या बताऊँ। तो यार चलो अभी इसको भी खल्लास करना है भाई हमारी ऑटो राइफल से, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई इसको चलाते हुए। ओके तो हमारा आर्क पबजी बन चुका है ये। सो अब हम इधर भाई खेलना है भाई अपनी अजॉल्ट राइफल से। सो चलो हम इधर जी इसको बोलते हैं भाई M416, तो अब M416 से भाई हम मारने वाले हैं इसको, किल करने वाले हैं इसको, तो कार्बिन वॉम इसको, तो चलो इसको भाई किल कर देता हूँ मैं। ओ आजा भाई आजा भाई, तो इसको मारता हूँ आजा। ओ तो गाइस ये ख़त्म हो गया। ओके सो गाइस आज के लिए इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे भाई कहीं भी तो भाई आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो भाई मेरे चैनल पर। और गाइस प्लीज़ अगर मैं सब्सक्राइबर डिजर्व करता हूँ तो प्लीज़ एक बार भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो तक देखी होगी तो ऑब्वियसली आप लोगों को लाइक करी। That's all right.